हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वीजीए जीनियस क्लासेस। माई सेल्फ वाइस राठौर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है वो देखते हैं। देखो, ये हमारा सबसे पहले ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। टू किसी का स्क्वायर नहीं होता तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे टू का। किसका करेंगे? टू का। तो डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। अगर हम यहाँ टू का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें टू का डिवाइड किया तो 7/2x, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। और जीरो में टू का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा ए स्क्वायर और ये 2ab है, बी स्क्वायर नहीं पता। तो इसके लिए हम इसको हमेशा x वाला जो टर्म होगा उसको क्या मानेंगे, 2ab, या ऐसा लिख लो, मतलब ए स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर टू क्या आ गया, एक्स, और ये हमारा क्या, 2ab। तो 2ab इजकल टू क्या है हमारा, 7/2x। तो देखो, ए की वैल्यू क्या, एक्स, यानी 2 × x × v इज इक्वल टू 7/2x, ठीक है ना। मतलब एक्स का जो टर्म होगा उसको हम लेंगे 2ab, ओके। और ये हमारा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू पुट की, ए की, तो एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो हमारा वी क्या आ गया, 7/2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, यानी वी निकल आया। अब हम इसी का स्क्वायर प्लस करेंगे और इसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए और इसी का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी का स्क्वायर माइनस कर दो, मतलब किसी का अगर हम स्क्वायर ऐड कर दें या माइनस कर दें, ठीक है ना, तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा। और ये प्लस का 3/2, ओके, ये आ गया इक्वल 0। अब देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर और 2ab बताया था ना इसको, और ये हमारा बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस 49/16, और ये प्लस 3/2, ओके, इक्वल 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस, ये तो ऐसा ही रहेगा, 7/4 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा, 16। 16 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 49। देखो, प्लस से जब माइनस कॉमन आएगा तो माइनस यहाँ पर क्या बचा, माइनस ही बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया ना। अब 2 का जब डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, 8 का इसमें इंटू किया तो 8 × 3 = 24, ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये ऐसा ही रहेगा, 49 में 24 माइनस किया तो क्या आएगा, 25/16 इक्वल टू 0। अब बता, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको तो ऐसे ही लिखना है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए माइनस बी, और एक बार हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके इक्वल में 0 आएगा ना, तो x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7/4 प्लस 5/4, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 4 आएगा, और 7 और 5 प्लस कर दो, 7 × 5 कितना हुआ, 12/4, तो 4 × 3 = 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3। एक वैल्यू तो निकाल ली, अब दूसरी वैल्यू और निकालिएगा। अब x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि ये जब 0 के अपॉन में जाएगा तो इसके इक्वल में 0 आएगा, और जब इसको अपॉन में लेगा तब इसके इक्वल में 0 आया, क्योंकि क्या होता है, एक चीज 0 में चली जाती है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7/4, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो जाएगा 5/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, और ये 7 माइनस 5, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो
जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही सॉल्व कर देते हैं। 7 माइनस है तो -5 कर देंगे, और प्लस होता तो 7 प्लस 5 कर देते हैं। एक्स इक्वल टू कितना है, 7 माइनस 5 कितना हुआ, 2/4, यानी 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, एक्स इक्वल टू आ गया 1/2। ओके, अब इसकी वैल्यूज क्या आ गई, एक तो आ गया 1/2 और 1/3, ठीक है ना। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका 2x² + x-4, 2x² + x-4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सबसे पहले हम इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम 2 का क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 का डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा x², इसमें 2 का डिवाइड किया तो x/2, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 2 हो गया, और 0 में डिवाइड किया 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, ये होता है a², ये होता 2ab, ठीक है ना। तो लेट a² इक्वल x², तो इक्वल टू क्या आ गया x, और 2ab इक्वल टू x/2। तब a की जगह क्या पुट करेंगे, x, यानी कि 2 × x × v इक्वल टू x/2। इससे ये देखो कैंसिल हुआ, तो v इक्वल टू क्या आ गया 1/4, यानी क्या था, इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे या दोनों तरफ ऐड करो तो बात तो वही है ना। तो एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 x/2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 2ab ना, a² + b² + 2a, सॉरी a² + 2ab + b², इसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं ना, और ये -2, और दूसरी तरफ ऐड किया तो 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट बनाओ, ये हमारा क्या बन गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -2 और माइनस, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। ओके, अब x + 1 का होल, 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और एलसीएम क्या आएगा 16, 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 16 × 2 = 32, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा प्लस, और 16 का जब 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या 1, यानी 33/16 आ गया, क्या आ गया 33/16। इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, x + 1/4 का होल स्क्वायर -33/16 इज इक्वल टू 0, तो इसे ऐसे ही राइट करेंगे, 1 x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसे रूट स्क्वायर में क्या चलेंगे, √33/4 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a² - b² यानी a - b और a + b, क्लियर, इक्वल 0। अब इसके, अब जो इनटू में ना, तो इसके इक्वल में 0 आए क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/4 - √33/4 इक्वल टू 0, यानी x + 1/4 - √33/4 इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी √33/4 - 1/4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा √33 - 1, एक तो ये आ गया। अब इसके इक्वल पुट करो, x + 1/4 + √33/4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4 - √33/4, तो इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 4 - 1 - √33, तो ये दूसरा वैल्यू निकल आया, ठीक है ना। तो ये था आपका
पार्ट सेकेंड कंप्लीट। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट हमारा 4x2+4 4x2+4√3x+3=0, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, वैसे हम सॉल्व करना चाहे तो इसको यहाँ से ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन सिंपल हो जाए अगर 4 का डिवाइड कर लें। वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे 4 का डिवाइड करके ही करेंगे। डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x2+, इसमें 4 का डिवाइड किया देखो, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 3x प्लस, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 3/4 ही आएगा =0। ओके, मैंने क्या बताया था, ये ए स्क्वायर होता है, ये 2ab होता है, बी स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़ता है। क्या करेंगे, लेट ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल क्या आ गया एक्स, सॉरी ए इक्वल एक्स, तो 2ab इक्वल क्या है √3x। अब a की वैल्यू क्या है x, तो 2 × x × b = √3x, x से x कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आएगा √3/2। अब मैं c का स्क्वायर ऐड करते हैं, c का स्क्वायर माइनस करते हैं, या दोनों तरफ ऐड करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो क्या करेंगे, एडिंग √3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए x2+√3x+, ये ए स्क्वायर और 2ab है ना, और ये बी स्क्वायर हो जाए √3/2 का होल स्क्वायर + 3/4 = √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट में लाओ, तो पहले तो ये हमारा होल स्क्वायर बन गया x+√3/2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये हमारा 3/4, और ये हमारा हो जाएगा -3/4 = 0, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और इसका स्क्वायर 4, अगर इधर आएगा तो माइनस हो गया यानी 0 हो गया। क्या बना, x+√3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, यानी x+√3/2 × x+√3/2 = 0। तो x+√3/2 = 0 हुआ, तो क्या आएगा x = −√3/2। सेम यहाँ पर भी यही होगा, x+√3/2 = 0, तो x = −√3/2। ये होगा इसके दो आंसर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ क्या है वो भी देख लो। देखिए पार्ट फोर्थ हमारा 2x2+x+4 2x2+x+4 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे, तो लिखिए डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 का डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा x2+, इसमें 2 का डिवाइड किया तो x/2+2 = 0। अब जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, ये हमारा क्या a² = x², तो a² क्या आएगा x, और ये हमारा क्या 2ab = x/2,
और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स एन टू एक्स बी इजकल टू एक्स अपॉन टू, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया और बी इजकल टू क्या आ गया, देखो वन अपॉन टू यहाँ और टू ये अपॉन में जाएगा तो क्या होगा वन अपॉन टू। अब इसी का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, इसी दोनों तरफ ऐड कर दीजिएगा, एडिंग वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर और प्लस टू इजकल टू में वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस टू, इसको लेफ्ट में लाओ तो क्या होगा माइनस वन अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब इसे माइनस करो ये बन गया एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर और ये हमारा हो गया प्लस सिक्सटीन टू जा थर्टी टू माइनस वन अपॉन सिक्सटीन इक्वल जीरो, तो एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस थर्टी वन अपॉन सिक्सटीन इक्वल जीरो। अब देखिए एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पर साइन माइनस का होना चाहिए ठीक है ना, तब एग्जिस्ट करेगा, तो इसे क्या लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ओके ये सॉल्व ही नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट क्लियर, और नहीं तो हम पहले फाइंड कर लेते बीस का माइनस फोर ए सी फाइंड करके तब पता लग जाता कि एग्जिस्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके।